Welcome back, students. Now, the next subtype of noun is countable and uncountable noun. See, its name itself tells you the things which we can count. ऐसी चीजें जो हम count कर सकते हैं वो सारे nouns किसमें आते हैं? Countable nouns में. For example, hat, pens, I have five fingers, I have two rings, I have one watch. ये जो सारी चीजें हैं that we can count. So the things which we can count is coming under the countable noun. Okay. See, countable noun में singular और plural दोनों type के noun आते हैं. If I said that I have one watch, so it's singular. I can count it. If I said I have two rings, one and two. Two is a plural form, rings. So, in case of countable noun, we can have singular as well as plural form of noun. Understood? For example, hat. I have one hat. Okay? Or there are five pens. I can count 1, 2, 3, 4, 5. How many? 5 pens. So, the things which we can count, that may be single, that may be multiple in number, all those are coming under the countable noun. But some things are there which we cannot count, right? Which we cannot count in the numbers. For example, doodh. Hum bolte hai kya ki mujhe ek doodh chahiye. What are you saying to your mother? Ki mom, I want one milk. No. Or are you going to the market and you are saying that sir, जो भी शॉपकीपर है अगर आप ऑनर के साथ बात कर रहे हो तो उनसे कि सर आई वॉन्ट 5 शुगर और 2 ब्रिंजल्स और 1 ऑयल 3 ऑयल. नो. ऐसी जो चीजें होती है उनको मेजर किया जाता है, उनकी जो क्वांटिटी है उसको मेजर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मिल्क, देन वॉट विल यू से दैट मदर आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क और कप ऑफ मिल्क और वॉट एवर यू वॉन्ट और अ मग ऑफ मिल्क. आप वैसे मांगोगे. अगर उस वही आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो यू विल आस्क फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क. As in, isn't it? So, ये जो लीटर है दैट इज बीन यूज टू मेजर द क्वांटिटी. इट इज अ यूनिट टू मेजर द लिक्विड. ऑन द क्वांटिटी व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द शुगर यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और किलोग्राम्स, राइट? कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, मुझे 1 किलोग्राम चाहिए, मुझे आधा किलोग्राम चाहिए. सो व्हाट दिस किलोग्राम इज, दिस इज ऑल्सो द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड थिंग्स. ब्रिंजल्स, 1/2 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, कितनी चाहिए. हम ऐसे नहीं बोल सकते मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए. यू आर आस्किंग इट फॉर इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट क्वांटिटी. आप उसको क्वांटिटी में मांग रहे हो. दैट क्वांटिटी इज नॉट मेजर इन नंबर्स, दैट इज मेजर इन पर्टिकुलर यूनिट. इजंट इट? डिफरेंस आपको समझ में आया? हम जब इन चीजों को काउंट करते हैं तो हम उसको नंबर्स नहीं दे सकते. दैट्स व्हाई दे आर कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन तो उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, उनको कैसे रेफर करना है? सो दे हैव देयर ओन यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, सी, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट? बट इन दिस केस ये जो सारे नाउन है ना, दैट ऑल आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, मिल्क्स नहीं कहते हम, शुगर्स नहीं कहते, सॉल्ट्स नहीं कहते, राइट? वी आर कॉलिंग इट एज अ जस्ट सिंगुलर नाउन. वी आर प्रोनाउंसिंग इट अ सिंगुलर नाउन. मिल्क, शुगर, अनियन, पोटैटो, ऑयल, घी, बिकॉज देयर यूनिट टू मेजर इज डिफरेंट. We are not counting them as 1, 2, 3, 4 like that with the help of numbers. समझ में आया? समझ में आया countable और uncountable का difference क्या है? The nouns which we cannot count in terms of numbers are all called as uncountable noun. एक और important बात, जब हम कोई भी question पूछते हैं, कोई भी question, तो
when you are asking a question about countable noun, countable. Okay? मतलब जिसका आंसर जो है वो काउंटेबल नाउन के फॉर्म में आने वाला है, दैट इज ऑलवेज आस्क लाइक हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी किलोमीटर इज दिस फ्रॉम हियर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास, ओके, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आर यू, और हाउ मेनी, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछना है उसमें आता है many, okay, और uncountable, that is always asked by how much, okay, how much milk do you want, how much sugar did you brought, how much, ये बात please ध्यान में रखना एकदम अच्छे से, because I have noticed many times, not only in case of you but many educated senior people are also not able to create the difference between this how many and how much, much ko many, many ko much, kuch bhi poochte hai. So while asking the questions, be specific what we are asking and what we are asking about. If it is countable, it must go how many. If it is not countable, uncountable, it must go by how much rice should I serve you. How many rice? ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी, नहीं, how much? Much, that represent the quantity, right? In terms of specific unit, how many? In terms of specific number, 1, 2, 10, 11 lakh, million, trillion, in numbers. Understand countable and uncountable noun? I hope you must have understanding. और ये दो चीजें आप specifically ध्यान में रखना. I don't want any mistake from you with this regard. The last type of this noun is singular noun and plural nouns. Okay, now pain, rat, wife, all these are singular noun. अभी singular noun में भी अलग अलग type होते हैं, मतलब हम use करते समय when we are using those nouns in a particular way, in a particular sentence, that may represent as a plural noun. कैसे? Spectacles, ये singular है, but उसके आगे क्या आया है? S. Generally what we are doing, जब हम plural form में convert करते हैं, तो उसके आगे S या ES लगा देते हैं. You know all the rules of converting singular noun into the plural और singular form into plural. S लगता है, ES लगता है, IVS लगता है. That you know very well. But some cases are there in that the noun possess s at the last, but it is singular noun. Spectacles, tongs, scissors. वैसे ही एक अलग टाइप होता है कि you have a single noun. For example, this is a proper noun of a subject, but we are never saying mathematics. We are always saying mathematics, right? Or have you ever heard by me or anyone else that saying mathematic? No, it is mathematics. So mathematics is a singular noun but carrying s at the last. Aerobics, I have my aerobics class. So aerobics, s. Politics, politic कभी नहीं बोलते. Politics, s आता है end में. But वो क्या है? Singular noun. समझ में आया? Plural noun, okay. Plural के फॉर्म में देर आर डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक सम कैरीज एस एट द एंड, सम कैरीज ई एस एट द एंड, सम टाइम दैट एफ, व्हेन एफ इज देयर देन इट कन्वर्ट्स इनटू द वीईएस, लाइक नाइफ, वाइफ, नाइफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइव्स, वाइफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाइव्स. सम टाइम द वर्ड्स ऑल्सो चेंज, लाइक मैन का होता है आपका मैन, राइट, ऑक्स का होता है ऑक्सन. क्लियर? फॉर्मूला, इसका होता है फॉर्मूली एई, ओके, एई. सो दीज आर फ्यू एक्सेप्शनल और
वी कैन से इरेगुलर, एस ई एस वाले रेगुलर होते हैं, बट दीज आर फ्यू इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स विच वी हैव टू कीप इन द माइंड. एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी वही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी वही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर, सिंगुलर इज ऑल्सो डियर एंड प्लूरल इज ऑल्सो डियर. शिप, दैट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ फॉर्म्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल. इज इट क्लियर? नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नाउन. Noun we have studied in different types, starting from common noun, ending with the singular and plural nouns. Okay, I will conduct your test on this topic so that you must prepare yourself to give the test and with the 100% score. Clear? If you want, you can write the definitions also. Definitions, as I told you while telling you the information about that particular noun, it is not at all difficult, it's extremely easy type of nouns. Okay, so let's start your study. I will tell you when will I conduct your test. Till that time, keep studying and think positive.